नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बलिया वैद्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व राष्ट्रीय सचिव द्वाबा विधानसभा क्षेत्र के दो दो बार विधायक रहे डॉक्टर भोला पांडे के निधन पर द्वाबा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। बताइए अपना परिचय। मैं प्रमोद कुमार तिवारी, जिला कमेटी, जिला सचिव, बलिया। आज दिनांक 24 को बैरिया कार्यालय पे हमारे प्रिय नेता माननीय भोला पांडे जी के निधन पे एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसका हम गहराइयों से शोक सभा को समर्पित किए हम लोग, और सारे लोग आकर के पांडे जी के वक्तित्व को उजागर किए और जो भी द्वाबा की समस्या थी उनके द्वारा निपटारा किया गया। जब वो विधायक थे, जब राष्ट्रीय सचिव बने, तो बलिया के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जो उन्होंने कार्य किया वो सराहनीय है। आज मैं उनके इन मृत्यु पर बहुत ही गंभीर मृत्यु के संवेदना पे हम लोग बहुत मर्माहत हुए हैं, और मैं प्रभु से उनके मृत्यु पर मैं कहता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे और उनका पूरा परिवार इस दुखी घड़ी में शांति बना करके रहे। परिचय दीजिए अपना। मैं अशोक सिंह, डॉक्टर भोला पांडे के निधन पर, द्वाबा के पूर्व विधायक के निधन पर हम लोग अपना शोक सभा मनाए लाल बहादुर यादव के कटरा में, और कार्यकर्ताओं ने अपना जो है पूरा नमन करके जो है अपना विचार रखे, और उसके बाद जो है शोक सभा के दो मिनट के लिए अपना शोक सभा में अपना मन व्रत रखे। मैं प्रभात सिंह, पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस। मैं सबसे पहले आदरणीय भोला पांडे जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी हानि का विषय है। ये द्वाबा ही नहीं, पूरे देश स्तर पर इतने बड़े राष्ट्रीय नेता की छवि किसी में नहीं थी। उनकी कमियां हमेशा कांग्रेस पार्टी को खटकती रहेगी। जैसे ही उनका स्वर्गवास हुआ, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आ गया, AICC हेडक्वार्टर से संवेदनाएं आ गई, प्रदेश अध्यक्ष जी की संवेदनाएं आ गई, और हम लोग तो इतना द्वाबा के लोग जितना मर्माहत हैं, इस भगवान इस दुख की घड़ी में सारे कांग्रेसियों को तथा उनके परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करे ताकि इस सदमे को सहन किया जा सके। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और हम कांग्रेसियों को इतनी शक्ति प्रदान करें ताकि इस सदमे को सहा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं खजांची राय, बैरिया ब्लॉक अध्यक्ष। आज कांग्रेस कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठ करके अपने प्रिय नेता भोला पांडे जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया गया, और ईश्वर से प्रार्थना की गई उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें एवं परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान। कहाँ किया गया, कौन जो बैरिया लाल बहादुर यादव के कटरा में ये कार्यक्रम संपन्न। बैरिया जनपद बलिया के रहने वाले थे, भोला पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? मूंज
छपरा ब्लॉक बैरिया के अंतर्गत बैरिया विधानसभा के दो दो बार विधायक रहे और राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनकी छवि रही, ये भोला पांडे की पहचान थी।